फिल्म इंडस्ट्री की कुड़ी नहीं जे फिल्म इंडस्ट्री की फिर कितने फतवा ला दो फिल्म इंडस्ट्री की कोई ऐसी कुड़ी नहीं जी शबक चीमन ने चुकी आदत पूरी करनी। चीमा साहब ये फरमाइए कि ये जो बड़े अपने आप में फने खां बने फिरते हैं तीनों, अभी कह रहे थे अरबिक में, तमिल में, और दूसरी कौन सी? हम तो फिल्म के रिवाइवल के लिए बैठे हैं। हाँ, फिल्म के रिवाइवल के लिए बैठे हैं, अभी बताते हैं। आंदड़ा कुंदड़ा कहते हैं हम कोई भी डायलॉग जो है ना उसे हम कर सकते हैं ट्रांसलेट। लेकिन आप अपनी किसी फिल्म का ऐसा डायलॉग दें जो इतना मुश्किल हो कि इन्हें पढ़ वक्त आ जाए। मैं तो सिर्फ इनके बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं ये जो तीनों बड़े एक्टर बैठे हुए हैं ना, मैं इनको इनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ ये गोशी साहब, इन्होंने एक ऐसा रोल किया था कि आप यकीन कीजिएगा मैंने स्टेज पर जाकर, नहीं तो ये सामने मौजूद इनको जाकर पूछ लीजिएगा, मैं स्टेज पर जाकर इनके कदमों को हाथ लगा दिया कि अगर ये रोल मुझे मिलता ना तो जैसे इन्होंने कर दिया मैं नहीं कर सकता। शफकत साहब आपने चले जाना है और इन्होंने पूरे हो जाना है, इन्होंने बिल्कुल काबू नहीं आना। वैसे कैलस हो जाते हैं, साड़ी तारीफ कर दे, कपड़े बड़े तैयार कराने पड़ेंगे, इन्होंने पूरे हो जाना पूरे। अगर चीमा साहब है तो इधर अदीब साहब भी आगे बैठे हुए, आलू इन्होंने पूरे हो जाना। अजीम साहब वर्गे बंदे पढ़े लिखे ने ना, 8 घंटे कल्ले अंग्रेजी बोल के थक के सो जाते हैं और सुते पे कह रहे होंगे मोटर बंद कर दो मोटर बंद कर दो।